गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ द जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा। इससे पहले के वीडियोस में हम जो है अपना हमारा जो पहला यूनिट है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, उसके दो चैप्टर्स हम देख चुके हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, व्यावसायिक अर्थशास्त्र क्या है, उसका फीचर्स एंड अदर एस्पेक्ट्स। उसके बाद उसी चैप्टर का या तो हम हिस्सा बोलें या फिर सेपरेट चैप्टर के रूप में भी हमने देखा उसे, वो ही है कि एक व्यवसायिक संगठन की सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, सामाजिक दायित्व क्या होते हैं। इसी यूनिट के अंतर्गत हमारा तीसरा और लास्ट चैप्टर है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र एवं व्यापक अर्थशास्त्र। इससे पहले के वीडियो में आपको मैं बता चुकी हूँ कि जो हमारा व्यवसायिक अर्थशास्त्र का जो पेपर है, बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो पेपर है, वो बेसिकली 80 मार्क्स का है और हर एक यूनिट पर, चार यूनिट है और हर एक यूनिट पर जो मार्क्स का वेटेज है वो इक्वल है, सामान्य है। तो उस दृष्टिकोण से यदि हम देखते हैं तो हमारा ये जो चैप्टर है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, आपको पेपर पैटर्न जैसे दिया हुआ है कि 8, 8 और 16 मार्क्स। तो इस चैप्टर से आपको मोस्ट प्रोबेबली आपको 8-8 मार्क्स के दो क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन भी हो सकता है, या आपके पूरा 16 मार्क्स का भी क्वेश्चन हो सकता है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए आप देखते हैं कि इस टॉपिक में क्या है। वैसे जहाँ तक है 12th में भी ये टॉपिक था, आप इससे काफ़ी हद तक कर परिचित हैं। चलिए आज हम देखते हैं कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र एवं व्यापक अर्थशास्त्र क्या है। देखिए, जो आर्थिक व्यवस्था है या अर्थशास्त्र है, उसको हम जब स्टडी करते हैं, उसका जब हम स्टडी करते हैं तो उस वक्त उसके जो है दो उसे भागों में विभाजित किया गया है, ताकि जो हमारा इकोनॉमिक्स की स्टडी है वो आसान हो जाए, सरल हो जाए। यही हमारा जो इकोनॉमिक्स आर्थिक व्यवस्था है उसके जो हम स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम उसे देखते हैं, तो वो दो भागों में विभाजित होता है। एक है सूक्ष्म विश्लेषण, जिसे हम माइक्रो एनालिसिस कहेंगे, और दूसरा है व्यापक विश्लेषण, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस। तो बेसिकली ये क्यों किया जाता है, जहाँ तक हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, सूक्ष्म अर्थशास्त्र की और व्यापक अर्थशास्त्र की, इट्स अ कंपार्टमेंट इज नीड बट इट इज फॉर द ईज ऑफ स्टडी। एक प्रकार से माइक्रो इकोनॉमिक्स विश्लेषण हम बोलते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र का, अर्थशास्त्र और व्यापक अर्थशास्त्र, ये किस लिए किया गया है। इसका मुख्य रूप से जो सब कारण है वो यही है कि आप जो इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स एनालिसिस कर रहे हैं, वो आपको ज़्यादा ईजी हो। और उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके जो है बेसिकली उसको बेसिकली जो है दो भागों में हमने विभाजित किया है। सबसे पहले बात आती है कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसको किसने लाया गया और किसने लाया। रेग्नर फ्रिश जो है उनके द्वारा इस कॉन्सेप्ट को लोगों तक पहुंचाया गया। ओके, बाद में दूसरे जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने भी इसे लोगों तक पहुँचाया, लेकिन रेग्नर फ्रिश जो है उनका नाम इसमें सबसे ऊपर है। चलिए देखते हैं कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है और व्यापक अर्थशास्त्र क्या है। बेसिकली जब हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र की बात करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस की बात करते हैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र विश्लेषण की बात करते हैं, तो उसमें क्या आ जाता है। लेकिन सूक्ष्म, जैसे हम बोलते हैं सूक्ष्म, जिसमें माइक्रो स्मॉल, व्यापक मैक्रो, और इसका जो आप स्कोप देखेंगे वो ज़्यादा है, बड़ा है, लार्ज है। तो जब हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो उसमें हम जो एनालिसिस कर रहे हैं वो एक व्यक्ति
व्यक्ति विशेष को लेकर कर रहे हैं। उसी प्रकार से हम एक विशेष फर्म को लेकर इसका एक इकोनॉमिक्स का एनालिसिस कर रहे हैं, आर्थिक विश्लेषण कर रहे हैं। उसी प्रकार से एक विशेष इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक विशेष परिवार के रूप में हम इकोनॉमिक्स का एनालिसिस कर रहे हैं, अर्थशास्त्र का आर्थिक विश्लेषण कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है, इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल है। उसी प्रकार से एक फर्म है, एक इंडस्ट्री है, एक हाउस होल्ड है। और जहाँ पर हम बात करते हैं व्यापक अर्थशास्त्र की, तो इस व्यापक अर्थशास्त्र ऐसा पार्ट इकोनॉमिक्स एनालिसिस का वो हिस्सा है, वो भाग है जिसमें हम इकोनॉमिक्स को एक बड़े दृष्टिकोण से देखते हैं, एक व्यापक दृष्टिकोण से देखते हैं। उसके क्या बेसिकली उसका जो है स्कोप क्या है, क्षेत्र क्या है, चलिए वो जो है स्कोप और क्षेत्र, वो बेसिकली राष्ट्रीय आय है, एम्प्लॉयमेंट बट नेशनल लेवल एम्प्लॉयमेंट, ओके, ये सारी चीज़ें जो है हम इकोनॉमिक्स के व्यापक अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। प्राइस लेवल बट जनरल प्राइस लेवल, ठीक है, प्राइस लेवल है लेकिन जनरल प्राइस लेवल है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये सारे आस्पेक्ट्स जो है व्यापक अर्थशास्त्र में आते हैं। चलिए हम देखते हैं कि जब हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं, उसका बेसिकली क्या आर्थिक समस्याएं उसके सामने होती है कि भाई हमारे कितना आय है और उस आय को हमें किस तरीके से खर्च करना है, उस पर क्या व्यय करना है, क्या कैसा खर्च करना है। तो ये एक व्यक्ति विशेष की आर्थिक समस्या हो गई जिसमें वो ये देख रहा है कि उसके पास इनकम कितनी है और वो उस इनकम को किस प्रकार से खर्च कर रहा है। साथ ही साथ यदि हम बात करते हैं इंडिविजुअल कमोडिटी की, जैसा आप गेहूँ के मूल्यों की बात करें, उसी प्रकार से आप दूध के मूल्यों की बात करें, तो ये इंडिविजुअल कमोडिटी की जो प्राइस है, इस वस्तु के जो प्राइस है, उसके जो मूल्य हैं, वो कैसे निर्धारित हो रहे हैं, वो मांग और सप्लाई, डिमांड और सप्लाई की बेस पर इंटरेक्शन से, डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व के इंटरेक्शन से, बेसिकली डिमांड और सप्लाई की बेस पर वो मूल्य क्या हो रहे हैं, निर्धारित हो रहे हैं। तो यदि इस वस्तु विशेष की मूल्यों के निर्धारण की बात करें, या फिर एक व्यक्ति की आय और उसके खर्च का हम स्टडी करें, तो बेसिकली ये किसका एनालिसिस हो गया, ये एनालिसिस हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस और सूक्ष्म अर्थशास्त्र के विशेष। लेकिन जब हम एक देश के इनकम की बात करते हैं, जैसे हम भारत की बात करें और भारत की आय की बात करें, राष्ट्रीय आय की बात करें, नेशनल इनकम की बात करें, तो इसमें हम किसी एक इंडिविजुअल की इनकम को काउंट नहीं कर रहे, बेसिकली इसमें जो है पूरा देश, एक्चुअली इसमें पूरा देश की इनकम काउंट हो रही है कि एक साल में एक देश के द्वारा कितनी इनकम अर्जित की गई, ठीक है, वो प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है, ऑल एस्पेक्ट्स उसमें आते हैं। तो वो जो एस्पेक्ट है वो एक देश के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, एक बड़े स्तर का, वो बड़े स्तर का एक टॉपिक हो गया। तो ये जो एस्पेक्ट है ये हम किसमें पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे व्यापक अर्थशास्त्र में और मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस में। मैंने अभी आपसे कहा कि यदि हम एक वस्तु के मूल्य, जैसे गेहूं के मूल्यों की बात कर रहे हैं, तो वो एस्पेक्ट हो गया किसका, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का। लेकिन यदि हम वही मूल्य जो है मूल्य निर्धारण की बात कर रहे हैं और जनरल प्राइस लेवल की बात कर रहे हैं कि देश में जो प्राइस लेवल है वो किस प्रकार से निर्धारित हो रहे हैं और किस तरीके से हो रहे हैं, तो जनरल कमोडिटीज़ की, नंबर ऑफ कमोडिटीज़ की जो प्राइस लेवल है, एवरेज प्राइस लेवल की बात कर रहे हैं, औसत मूल्यों की बात कर रहे हैं, तो वो जो एस्पेक्ट है वो किसका एस्पेक्ट है, व्यापक अर्थशास्त्र का।
इंडिविजुअल की आय सूक्ष्म अर्थशास्त्र, देश की आय व्यापक अर्थशास्त्र, इंडिविजुअल प्राइस के इंडिविजुअल कमोडिटी के प्राइस का निर्धारण हो रहा है, डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल कमोडिटी, तो वो हो गया आपका सूक्ष्म अर्थशास्त्र। वहीं पर हम किसकी बात कर रहे हैं, देश में जो औसत मूल्य निर्धारण हो रहे हैं, औसत मूल्य की बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया आपका व्यापक अर्थशास्त्र। ओके, तो ये जो है बेसिकली, ये आप अगर इस की बात को अगर आप समझते हैं तो आप ये समझेंगे कि जब हम इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं, व्यक्तिगत एस्पेक्ट्स को हम स्टडी कर रहे हैं, तो वो है हमारा सूक्ष्म अर्थशास्त्र। और जब हम एग्रीगेट की बात कर रहे हैं तो वो हो गया आपका व्यापक अर्थशास्त्र। औसत की बात कर रहे हैं तो वही हो गया हमारा व्यापक अर्थशास्त्र। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखिए, सूक्ष्म अर्थशास्त्र के बेसिस पर, वेरिएबल्स के बेसिस पर ही हमारे जो है बहुत सारा व्यापक अर्थशास्त्र भी डिपेंड करता है, ठीक है। और व्यापक अर्थशास्त्र के बेस पर, व्यापक अर्थशास्त्र को हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र में भी काफ़ी हद तक कर उसकी सहायता लेते हैं। ये दोनों जो विश्लेषण है, ये दोनों एनालिसिस जो है वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि क्या चीज़ है ये सूक्ष्म विश्लेषण। बेसिकली वस्तुओं का मूल्य निर्धारण, प्रोडक्ट प्राइसिंग, ठीक है। तो इसमें क्या आ जा रहा है, इसमें आपका आ जा रहा है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ओके, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि एक उपभोक्ता जो है किस तरीके से बिहेव करता है, उसकी जो आय है उस आय को वो किस तरीके से खर्च करे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो सेटिस्फैक्शन पा सके। ओके, तो वो आपका हो गया किसका, सूक्ष्म विश्लेषण का। और सूक्ष्म विश्लेषण का पार्ट में आ जाता है, प्रोडक्ट प्राइसिंग में आ जाता है। उसी प्रकार से प्रोडक्ट प्राइसिंग की जब हम बात करते हैं तो उसमें दूसरा आस्पेक्ट भी एक आ जाता है, वो क्या है, उत्पादन एवं लागत सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। तो एक इंडिविजुअल जब प्रोड्यूसर के रूप में, उत्पादक के रूप में बात कर रहा है, तो वो ये भी कंसिडर करेगा ना कि भाई उसका जो उत्पाद है उसकी मूल्य किस तरह से उसे निर्धारित करने हैं, उसी प्रकार से उस वस्तु के उत्पादन में उसे कितना खर्चा आ रहा है। तो ये हो गया आपका उत्पादन एवं लागत सिद्धांत। ओके, उसी के साथ साथ सूक्ष्म अर्थशास्त्र में आप जो है फैक्टर्स जो हम बोलते हैं, फैक्टर प्राइसिंग की जो बात करते हैं, वो भी इसमें इंक्लूड होता है। फैक्टर प्राइसिंग मतलब क्या, देखिए साधन कीमत निर्धारण, जिसे हम हिंदी में साधन कीमत निर्धारण कहते हैं। आप देखते हो कि हम जब फैक्टर प्राइसिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें जो है ज़मीन है, उस ज़मीन को जो है भूमि, यदि हम भूमि का यूज़ कर रहे हैं, भूमियों का उपयोग कर रहे हैं, तो उसे भी हमें कुछ ना कुछ रिटर्न देना पड़ेगा। वो प्रतिफल हम जो दे रहे हैं वो प्रतिफल किसके फॉर्म में होता है, वो प्रतिफल होता है लगान के फॉर्म। उसी प्रकार से जब एक मजदूर आपके यहाँ काम कर रहा है तो उसे भी किसी प्रकार का हमें रिटर्न देना होता है, प्रति उसका रिटर्न देना और प्रतिफल देना पड़ रहा है। तो वो किसके इसमें है, वो उसे जो रिटर्न दिया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, मजदूरी और वेजेस। उसी प्रकार से ब्याज और इंटरेस्ट, ब्याज किस लिए दिया जा रहा है, क्योंकि आप जो है किसी के द्वारा जो किसी का जो कैपिटल है उसको आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसको यूज़ करने के बदले में आप उसे कुछ ना कुछ रिटर्न दे रहे हो। वो जो रिटर्न है वो क्या है, इंटरेस्ट है, ब्याज है। उसी प्रकार से जब एक एंटरप्रेन्योर जब वो बिजनेस करता है, एक बिजनेस मैन जब वो बिजनेस करता है, तो एक बिजनेस जो है एक साहस का काम है, ठीक है, जिसमें आपको समय समय पर काफ़ी रिस्क को बेयर करना पड़ता है। तो जब साहसी वो रिस्क को बेयर कर रहा है तो उसे भी उसका किसी ना किसी प्रकार का प्रतिफल मिलना चाहिए। तो ये जो प्रतिफल उसे दिया जाता है वो किसके फॉर्म में होता है, लाभ के फॉर्म में। तो बेसिकली फैक्टर प्राइसिंग, उसी प्रकार से प्रोजेक्ट प्राइसिंग जिसमें आप मूल्य निर्धारण की बात कर रहे हैं, ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर की बात कर रहे हैं, फैक्टर प्राइसिंग की बात कर रहे हैं,
रिजर्व थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, और साथ ही साथ सूक्ष्म अर्थशास्त्र में हम एक और चीज़ को कंसिडर करते हैं, वो है साधनों का आवंटन की कुशलता, एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय, एफिशिएंसी ऑफ एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। ओके, तो ये सारे आस्पेक्ट्स जो हैं आपकी किसका हिस्सा है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का। अब हम बात करते हैं व्यापक अर्थशास्त्र की और मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो इसमें क्या हो गया, इसमें भी मैंने आपसे कहा एक इंडिविजुअल की आय की बात करें तो वो है आपका सूक्ष्म अर्थशास्त्र, लेकिन जब हम देश की इनकम की बात करते हैं तो वो है आपका व्यापक अर्थशास्त्र का पार्ट। तो आय उत्पादन तथा रोजगार के सिद्धांत, इसे हम आय थियरी ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। ठीक है, इनकम नेशनल इनकम हो गई, उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जिसमें हम देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी क्या है, देश में कितने परसेंट लोग जो है एम्प्लॉयड हैं और कितने परसेंट लोग अनएम्प्लॉयड हैं, एंड टोटल आउटपुट। उसी प्रकार से आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस में मैंने अभी आपसे कहा गेहूँ के मूल्यों की बात कर रहे हैं तो वो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है, लेकिन जब हम औसत मूल्यों की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या है, वो व्यापक अर्थशास्त्र, सिद्धांत सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत, जिसे हम थियोरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल भी कहते हैं, जिसमें हम बेसिकली क्या देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति और मुद्रा अस्फीति, जिसे हम डिफ्लेशन भी कहते हैं। उसी प्रकार से आर्थिक विकास का सिद्धांत, थियोरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, थियोरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें मॉनेटरी पॉलिसी का एनालिसिस होगा। ठीक है, सरकार के द्वारा, बैंक के द्वारा, सेंट्रल बैंक के द्वारा बनाई गई पॉलिसी, उसी प्रकार से आपका फिस्कल पॉलिसी, सरकार के द्वारा बनाई गई पॉलिसी, पर कैपिटा इनकम एंड द चेंजेस इन द पर कैपिटा इनकम, व्हाट आर द चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस और द नेगेटिव चेंजेस, पर कैपिटा इनकम क्या बढ़ रही है या कम हो रही है, उसको निर्धारण करने वाले जो दूसरे घटक हैं वो किस प्रकार से उस पर इम्पैक्ट डाल रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। तो आर्थिक विकास का सिद्धांत, उसी प्रकार से वितरण का समष्टिगत सिद्धांत, मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम नेशनल इनकम की बात करेंगे और नेशनल इनकम पर किन किन फैक्टर्स का कंट्रीब्यूशन है, कहाँ कहाँ से आपके नेशनल इनकम जो है, नेशनल इनकम जो है एक कंसोलिडेटेड फिगर है, बट ये कंसोलिडेटेड फिगर जो है उसमें बहुत सारे सब सेक्टर्स हैं जहाँ से आपका नेशनल इनकम बन रहा है, तो किस सेक्टर्स का कितना कंट्रीब्यूशन है, वो आस्पेक्ट्स हम वितरण के समष्टिगत सिद्धांत में देखते हैं। तो आपको बेसिकली इकोनॉमिक एनालिसिस करना है, इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, या फिर आपका एक इंडिविजुअल फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, या इंडिविजुअल हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, या इंडिविजुअल इंडस्ट्री की बात करी, तो ये सब क्या हो गया, ये सब आ गया आपका सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। मूल्य निर्धारण हो रहे हैं वस्तु के, विशेष वस्तु के मूल्य निर्धारण की बात कर रहे हैं, तो वही आपका आ गया सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। लेकिन जब हम अपने स्कोप को बढ़ा रहे हैं व्यापक दृष्टिकोण से इन वेरिएबल्स की स्टडी कर रहे हैं, तो वही चीज़ जो है वो क्या हो गई आपकी, व्यापक विश्लेषण, मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस, जिसमें आप थियरी ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे आस्पेक्ट्स हम देखेंगे। तो आज का ये जो आपका वीडियो लेक्चर है, बेसिकली ये इंट्रोडक्टरी आस्पेक्ट्स को कवर करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसी आस्पेक्ट्स को डिटेल में देखेंगे। ओके, थैंक यू।